हेलो बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। फिर से हमने कल पूरा चैप्टर रीड किया था, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ओके, मैंने आपको कहा था हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको भी मज़ा आया होगा, तो आपको आंसर्स इसके जल्दी से लर्न हो जाने चाहिए। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको पता है हमने करने हैं, टी पे करेक्ट पे टी और फॉल्स पे गलत पे एफ। द गोल्डन बर्ड रिफ्यूज टू टेक मनी मंकीज हेल्प। ये सेंटेंस ट्रू है, उसने पहले मना कर दिया था मंकी की हेल्प लेने से। नो एनिमल हेल्प द बर्ड एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। फॉल्स है, क्योंकि सबने उसकी हेल्प की थी। द मंकी वॉन्टेड टू शो द बर्ड द बेस्ट प्लेसेस टू फीड। येस ट्रू, वो दिखाना चाहता था। द बर्ड डिड नॉट सिंग फॉर किंग एवरी डे। फॉल्स, वो बर्ड हर रोज किंग के लिए सिंग करती थी। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। वॉज द गोल्डन बर्ड लुक्ड आफ्टर वेल इन द पैलेस। क्या जो गोल्डन बर्ड थी उसकी केयर करी जाती थी पैलेस में? येस, द गोल्डन बर्ड वॉज वेल फेड वॉटर्ड एंड ग्रूम्ड फाइन इन द पैलेस। वाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू टेक मंकीज हेल्प। बर्ड ने क्यों मना कर दिया मंकी की हेल्प लेने से? द बर्ड थॉट द मंकी कैन नॉट हेल्प हर एंड बर्ड रिफ्यूज टू टेक मंकीज हेल्प। इसमें आएगा सो द बर्ड रिफ्यूज टू टेक मंकीज हेल्प। वॉट डिड द बर्ड से टू द स्नेक। बर्ड ने स्नेक को क्या बोला? द बर्ड सेड टू द स्नेक, वॉट कैन यू टीच मी, तुम मुझे क्या सिखाओगे? एंड यू हैव अ हिसिंग नॉइज, डू यू नो हाउ ब्यूटिफुली आई सिंग। तुम्हें पता भी है मैं कितना ब्यूटिफुल सिंग करती हूँ। हाउ डिड द एनिमल हेल्प द गोल्डन बर्ड। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा है छोटा छोटा। द स्नेक वॉज लाइक अ रोप पुलिंग हर इन टू द बुशेज एंड मंकी लिफ्टेड हर इन अप इन द ट्री एंड चमेलियन पुश्ड हर। ओके, मैं आपको इसके आंसर्स टाइप करके भी भेजूंगी, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी थोड़ी। आई विल सेंड यू। टेक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। A king had a dash bird in a golden cage. A king had a golden bird. Dash was of the same color as the tree trunk. कौन था? Chameleon. The golden bird saw a large, क्या देखा था sky में उसने? Eagle. Who pushed the golden bird into the center of the large yellow flower? Chameleon. Fill in the blanks. Once upon a time, there was a king who had a dash bird in a cage, golden bird. After a while, she saw a monkey swinging from a tree. I can see you are new to the jungle, said the monkey. The bird was rude to the chameleon too. The snake and the chameleon looked after the golden bird. आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपने उसको ही अच्छे से पढ़कर लर्न करना है। अब हम ग्रामर भी करेंगे। ग्रामर में मैंने जैसे आपको कल भी बताया था, आपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। हेयर आर सम वर्ड्स बट द वोवल्स आर मिसिंग। वोवल्स वर्ड्स में से मिसिंग है। कंप्लीट द वर्ड्स, हमने वर्ड्स कंप्लीट करना है। अब आपने ऐसे लिखा हुआ है वोवल्स, तो आपको पता है कि या तो ए ई आई ओ यू में से ही कोई वर्ड, कोई अल्फाबेट मिसिंग होगा, तो इजी फॉर यू। वैसे तो मैंने आंसर लिख दिए हैं, बट वैसे एग्जाम में आपको आएगा तो आप देख लेंगे। अब जैसे आप मन में अपने करेंगे वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, तो इसमें से ही आपने अल्फाबेट फिल करना है। फिर आप वर्ड पढ़ेंगे एस डैश एल डैश एफ डैश एस एच, तो आप लगा के देखेंगे अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगी कि ए फिट नहीं बैठ रहा, ई ई बैठ रहा है क्या, एस ई एल एफ सेल्फ येस बैठ रहा है, तो आप यहाँ पे ई लिखेंगे। फिर आप दूसरा
वोवल पकड़ेंगे, सोचेंगे दिमाग में आई एस एच, आई एस एच, सेल्फ, फिश, फिर पूरा वर्ड पढ़ेंगे तो ऐसे आपको आ जाएगा, क्योंकि आपने ए ई आई ओ यू में से ही भरना है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है वोवल्स मिसिंग है। सी आर ए बी, क्रैब। अब इसमें सी आर डैश बी था तो क्या फिल हुआ, क्रैब ए। शुगर केन, एस यू जी ए आर सी ए एन ई, शुगर केन, ये क्या बना, जे डैश सी के डैश एल था, जे ए सी के जैक अल, जैकाल। हंग्री, एच यू एन जी आर वाई, हंग्री। ग्रास हॉपर, जी आर ए डबल एस एच ओ पी पी ई आर, हॉपर, ग्रास हॉपर। अब मैच द फॉलोइंग है, हमने मैच करना है। टाइम, टेबल, डे, लाइट, माउथ, वॉश, ग्रास, हॉपर। ओके, और जो कभी आपको बीच में समझ नहीं आएगा तो पहले आप वो कर लेंगे जो आपको आता है, फिर जो रिमेनिंग होगा वो तो डेफिनेटली, अब जैसे इसमें शुगर, आप ढूंढेंगे इसके साथ क्या मैच करेगा, आप बाकी सॉल्व कर लेना, फिर जो बचेगा वो उसका आंसर, शुगर बॉल। ठीक है, राइट द साउंड ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। अब हमने साउंड बतानी है एनिमल्स की। अ मंकी चैटर्स, अ शीप बा, अ वल्चर स्क्रीम्स, अ वुल्फ हाउल्स, अ डंकी ब्रफ, अ स्नेक हिसेस। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड, ऑपोजिट लिखना है, डीप शैलो, फ्री अनफ्री, क्वाइट नॉइस, रूड पोलाइट, होल्ड लीफ, ब्यूटिफुल अगली। ओके, ये एच तक, ए टू एच हमने एक्सरसाइज कंप्लीट करी, लेसन कल रीड किया, आपने इसको अच्छे से थॉरली करना है। इंग्लिश का रीडर का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट टाइम हम ग्रामर पार्ट में मूव करेंगे। ओके, थैंक यू।